तो हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल द ब्रांड गुरु में। आज आप लोगों के लिए इस वीडियो में लेके आए हैं एक द ब्रांड गुरु कंपनी का बहुत ही प्यारा न्यूली लॉन्च एम्पलीफायर, जिसका मॉडल नंबर आप देख सकते हैं TX5400 क्लास एच का। ये 4 चैनल का फैर आप लोगों के लिए लेके आए हैं। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे इसका पूरी ही जानकारी। इसकी वीडियो की फैर है, ये अपना द ब्रांड कंपनी का रहेगा, आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे ब्रांडिंग रहेगी। उसके बाद में यहाँ मॉडल नंबर आपको मिलेगा, देख TX5400 मॉडल नंबर मिलेगा। देख सकते हो आप जिस तरीके से 4 चैनल की एम्पलीफायर है, 4 वॉल्यूम पर चैनल की सेपरेट एक वॉल्यूम यहाँ पे मिलेगी आपको। व्यू मीटर मिलेगा एलईडी व्यू मीटर के साथ में। इसमें बाकी सारे भी एक्स्ट्रा फंक्शन दिए गए हैं, क्योंकि इस रेंज में इस फील्ड में जो 4 चैनल की एम्पलीफायर की डिमांड जिस तरीके से उठ रही है, उस हिसाब से हमने जो एम्पलीफायर है ये काफी ही अलग और यूनिक तैयार कराया गया है। आप देख सकते हो आगे अगर आपको दिख रहा हो तो यहाँ पे काफी सारे मोड्स हैं जो और लेवल के एम्पलीफायर में इस प्राइस रेंज में इस क्वालिटी में नहीं आपको और कहीं पे देखने को मिलेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो इसके फंक्शंस देख सकते हो, यहाँ चैनल मॉडल ले रखे हैं, चैनल की आप नॉब्स देख सकते हो, फुल्ली हाई क्वालिटी की नॉब्स है। एम्पलीफायर जो है पूरा अच्छी तरीके से असेंबल किया गया है। बैक से इसको दिखाते हैं, फ्रंट से दिखाते हैं, इसको दिखाते हैं कि ये जो वाटेज है किस तरीके से 10,000 वाट का एम्पलीफायर जो है कंपनी जो है उसको क्लेम कर रही है। 10,000 वाट का इस एम्पलीफायर को 2500 वाट पर चैनल इसको कंपनी जो है वो बता के दे रही है। जो मॉडल इसका 5004 इस तरह रखा गया है, क्योंकि जो है इसका आउटपुट है 1200 वाट पर चैनल है। 4 चैनल की आउटपुट है, पर चैनल जो है आउटपुट 1200 दी गई है। तो इस हिसाब से इसका TX5400 रखा गया है, क्योंकि 4 चैनल का एम्पलीफायर है। सभी की वॉल्यूम यहाँ पे आप देख सकते हो नॉब के साथ में दिया गया है। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग से। पहले इसकी अनबॉक्सिंग देख लेते हैं इसकी जो पैकेजिंग है वो किस तरीके से है। तो जो पैकिंग है वो कुछ इस तरीके से रहेगी। सबसे पहले हमें 2 कार्टून के बॉक्स मिलेंगे एम्पलीफायर के ऊपर। डबल कार्टून में ये एम्पलीफायर हमारा जो है आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो बॉक्स की डिटेल लिखी होगी, मॉडल कौन सा है, मॉडल इस पे लिखा हुआ है TX5004 मॉडल है, 4 चैनल का एम्पलीफायर है। इसकी अब आगे अनबॉक्सिंग करते हैं और आगे की डिटेल आपको दिखाता हूँ। इसमें डायमेंशन भी लिखे हुए हैं, जो बॉक्स का डायमेंशन है वो MM में लिखा हुआ है जैसे आप देख सकते हैं इधर। और पूरा एक इसको ओपन करके दिखाता हूँ, ओपन करके सकते हैं। पहले पेपर डालने के बाद में आपको दिखाता हूँ। पहला बॉक्स खोलने के बाद हमें दूसरा बॉक्स यहाँ पे देखने को मिलेगा। दूसरे बॉक्स में भी सेम मेरे को 2 सील और प्लस में व्हाइट कलर की एक कॉरोगेटेड टेप मिलेगी। उस टेप को हम हटा लेते हैं, थर्मोकोल का एक ये मिलता है जैसे देख सकते हैं यहाँ पे चारों ही कोने पे जो पूरी एक आपकी काफी मोटी थिकनेस की लगभग 15 mm के आसपास की जो एक कॉरोगेटेड शीट ऊपर लगी हुई है, प्लस में चारों साइड पे इसके कॉर्नर्स बचाने के लिए फॉर्म हमारे को दी गई है। फॉर्म के बाद में एक हमें सबसे पहले ऊपर एक यूजर मैनुअल मिलेगी जो एम्पलीफायर की इसमें वाटेज बताएगी। वाटेज इसके अंदर जो है शो हो रही होगी, जहां तक आप यूजर मैनुअल पढ़ सकते हैं। इसमें पूरे एम्पलीफायर के बारे में बताया गया है, जो इसके डिटेल्स है कि जो वॉल्यूम वगैरह है, व्यू मीटर है, बैक में बैक की सारी डिटेल्स दे रखी है। कई लोग होते हैं वो परेशान हो जाते हैं बैक का नहीं मिल पाता है, तो वो इस चीज में देख सकते हैं। यहाँ पे सारे ही कनेक्शन दे रखे हैं, जैसे कि XLR इनपुट जो है, इनपुट ये है, आउटपुट ये है, सारी दे रखी है। क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं इसके। यूजर मैनुअल की बात आप देख सकते हैं कि एम्पलीफायर हमारा यहाँ मिल चुका है। एम्पलीफायर को मैं थोड़ा बाहर निकाल के आपको अंदर से सब अच्छी तरीके से दिखाता हूँ। पैकिंग के बाद जैसे आप देख सकते हो ये इस तरीके का कुछ खतरनाक लुक रहने वाला है एक एम्पलीफायर का। इस फील्ड में इस चीज की कंपनी गारंटी दे सकती है कि ये रेट में ये माल आपको कोई भी और कंपनी कंपेयर आप करोगे तो वो नहीं प्रोवाइड करा पाएगी। क्योंकि सबसे बड़ी चीज होती है एम्पलीफायर में बेसिक जो सबसे बड़ा काम होता है वो होता है कॉपर का ट्रांसफार्मर रखना। कॉपर का ट्रांसफार्मर जो है सबसे कॉस्टली कॉपर का ट्रांसफार्मर होता है, कॉपर का मिलता है। इसको मैं अनबॉक्स करके मतलब ऊपर से इसका इनका लुक दिखा देता हूँ किस तरीके से रहेगा। पहले आप फ्रंट से बात कर लेते हैं। फ्रंट में आप देख सकते हो हमें यहाँ पे एक एल्यूमिनियम की ग्रिल मिलती है, देख सकते हो, जिससे जो इस एम्पलीफायर को एकदम खतरनाक लुक दे रही है। आप देख सकते हो एम्पलीफायर से काफी आगे निकली हुई है, 1 इंची लगभग आगे निकली हुई है ये ग्रिल, जो कि एम्पलीफायर को एकदम खतरनाक लुक दे रही है। उसके पीछे दोनों साइड जो है यहाँ पे ग्रिल मिल रही है, आपको थोड़ा पास से करके दिखा देता हूँ। तो इधर हमारे को एक ऑन ऑफ स्विच देखने को मिलता है जो कि यहाँ पर अंदर की साइड रहेगा। अपना जो एम्पलीफायर है वो यहाँ से ऑन होएगा और यहीं से ही यहाँ से ऑन होएगा, यहाँ से ऑफ होएगा। आप चाहो तो यहाँ से बाहर से भी इसको ऑन ऑफ यहाँ से कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे को यहाँ पे ऑन ऑफ स्विच मिलेगा, उसके बाद में ग्रिल आप देख सकते हो जैसे कि क्वालिटीज की काफी हाई गेज में अच्छी तरीके से डाइकास्टिंग के साथ बनाई गई है। उसके बाद में जैसे देख सकते हो ये चैनल 1 की, चैनल 2, चैनल 3 और 4, ABCD 3-4 चैनल की हमारे को यहाँ पे पावर जो है देखने को मिलेगी। उसके बाद व्यू मीटर की बात कर लेते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे इसका जो LED मीटर है वो भी अलग तरीके से ही सिग्नल -20 ये सब हमारे को दिखेगा। क्लिप की और एलईडी की एलईडी जो है वो यहाँ पे रहेगी रेड वाली। उसके बाद में यहाँ पावर की एलईडी दिखेगी, पावर जब ऑन होगी तो ये वाली एलईडी जल जाएगी। और उसके बाद में यहाँ पाल का ऑप्शन मिलेगा और नोमाद लिंक का, लिंक करने का ऑप्शन भी है और PL। सभी चैनल की
सेपरेट एक व्यू मीटर दे रखा है इसके ऊपर जो है, इस डिस्प्ले के ऊपर जो है यहाँ पे एक आपको ग्लास भी लगेगा, पन्नी भी चढ़ी हुई मिलेगी, तो उसमें अगर पानी वानी भी जाता है या मॉइस्चर जाता है कोई भी दिक्कत उसमें नहीं आएगी किसी भी तरीके की। सेम यहाँ पे इसके साइड में अगर हम देखें तो साइड में हमारे को मॉडल का नाम मिलेगा, यहाँ पे मॉडल का नाम हमें मिल रहा है TX5004। सेम यहाँ पे भी जाली दी गई है और इस तरीके से जो है फ्रंट लुक रहेगा। अब इसको थोड़ा बैक की साइड लेके चलता हूँ, बैक की साइड में इसके क्या क्या फंक्शंस दिए हुए हैं वो दिखाता हूँ, उसके बाद में अंदर की इसमें बात करते हैं कि जो अंदर है वो क्या इसमें चेंज दिया गया है और किस तरीके से इस कंपनी ने इसको 10,000 वाट का क्लेम करा। सबसे पहले यहाँ देख सकते हो 3 इंच के DC वोल्ट फैन मिल जाएंगे दोनों साइड पे, 4 फैन इसमें लगे हैं, 2 आगे 2 फ्रंट पे 2 बैक पे लगे हुए हैं। उसके बाद में दोनों ही स्पीकर के टर्मिनल मिल जाएंगे, चैनल 3 और 4 के दोनों के आपको स्पीकर सॉकेट मिलेंगे, साइड में बनाना टर्मिनल मिलेंगे जो कि पूरे ही अच्छी क्वालिटी न्यूट्रिक वगैरह के यूज इसमें किए गए हैं। उसके बाद में इनपुट सेक्शन हमारे को यहाँ मिलेगा देखने, इनपुट सेक्शन में आप देख सकते हो चैनल 4 चैनल 3 की इनपुट मिलेगी, मतलब एक जो हो गया 3 चैनल का, ऐसे ही सेम चैनल 1 और 2 का इधर साइड दे रखा है। तो जैसे कि अभी आपने देखा ये 3 और 4 चैनल का था, अब जो इधर सेम साइड में दे रखा है ये चैनल 1 और 2 का है, सेम इनपुट सेम आउटपुट, और यहाँ नीचे जो है अपना एक ऑप्शन दे रखा है दोनों चैनल का, और दोनों जो चैनल है इसमें मॉडल का नाम दे रखा है, जैसे आप देख सकते हो इसमें स्टीरियो पैरेलल ब्रिज का ऑप्शन है और साइड में जो है गेन दे रखी है, इधर आपका मोड दे रखा है कि आपको कौन से मोड में चलाना है, स्टीरियो में चलाना है, पैरेलल में चलाना है या ब्रिज में चलाना है। इधर आपका सेंसिटिविटी आ जाएगी जो कि 1.4 वोल्ट है, 1.0 वोल्ट है और 0.0775 वोल्ट है, तीनों ही इसमें जो है सेंसिटिविटी आपको मिल जाएगी देखने को। साथ में XLR 2 आपको मिलेंगे, मेल फीमेल दोनों ही अच्छी क्वालिटी के यूज करे गए हैं, दोनों ही साइड आपको फैन में देखने को मिलेंगे। साथ में आपको एक यहाँ पे फ्यूज मिल जाएगा जो कि एक अच्छी क्वालिटी का आपको फ्यूज देखने को मिलेगा, साथ में आपको पावर कॉर्ड मिलेगी, कॉर्ड के साथ में आप देख सकते हो कितना अच्छा आपको एक पावर प्लग मिलने वाला है। यहाँ पे ऊपर की साइड अगर आप देखे जाए तो एक क्वेश्चंस दे रखी है यहाँ पे कि किस तरीके से इसको चलाना है और कब खोलना है, टेंशन वगैरह इसमें वार्निंग वगैरह है, इसको थोड़ा पढ़ लीजिएगा। और अब चलते हैं थोड़ा इसके अंदर की साइड की, इसके अंदर जो है वो क्या क्या है। तो दोस्तों अब चलते हैं थोड़ा इसके अंदर की साइड, इसके अंदर क्या क्या है, क्या क्या यूज करा गया है कंपनी ने, कैसे इसको 10,000 वाट का क्लेम करा है कंपनी ने, तो चलते हैं अंदर का मैं आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। तो अंदर से लुक ये जो है हमारा इस तरीके से रहेगा, जैसे कि आप सब देख सकते हैं, सबसे पहले हमारे कॉपर का ट्रांसफॉर्मर मिलता है जो कि बहुत ही बड़ा रहने वाला है, वेटेड रहेगा, प्योर कॉपर रहेगा ट्रांसफॉर्मर की वोल्टेज भी यहाँ पे लिखी हुई है, आपको थोड़ा पास से दिखा देता हूँ। उसके बाद में दोनों हीट सिंक मिलेगी जो कि गोल्डन फिनिश में दोनों हीट सिंक मिलेगी गोल्डन कोटेड में, क्योंकि चैनल से रिलेटेड पूरी हीट सिंक बनाई गई है, जो चैनल का PCB है ना उसको भी गोल्ड कलर का टच दिया गया है, कैपेसिटर को भी गोल्ड कलर का टच दिया गया है, जिससे ही पूरा एम्पलीफायर अच्छा और काफी गुड लुकिंग भी दिखे। अब थोड़ा मैं आपको अंदर से पास से दिखाता हूँ। अब इसके अंदर की जैसे बात करते हैं तो सबसे पहले हमें ट्रांसफॉर्मर देखने को मिलता है, ये ट्रांसफॉर्मर जो है काफी ही बड़ा लेंथ में ब्रेथ में जो है, इसका वेट भी काफी ज्यादा है डायमेंशन के हिसाब से। और उसके बाद में जो एक अपग्रेड इसमें करा गया है कंपनी ने, सबसे पहले तो इसमें कैपेसिटर बढ़ा दिए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें 12 कैपेसिटर इधर 12 इधर, टोटल 24 कैपेसिटर आपको इस एम्पलीफायर में देखने को मिलते हैं, बाकी आप मार्केट में जो भी देख रहे होंगे उसमें आपको 18 या 20 तक ही मिलते होंगे, इसमें 24 कैपेसिटर आपको देखने को मिलेंगे। और कैपेसिटर जो है वो भी अच्छी ब्रांड के यूज करे गए हैं, ओनली 4 ऑडियो है, जैसे आप देख सकते हो उस पर लिखा भी है, मेंशन किया गया है, ये लिखा हुआ है 4 ऑडियो, ओनली 4 ऑडियो स्पेशल 4 ऑडियो के। इसकी वैल्यू देखा जाए तो 80 वोल्ट 15,000 mAh के सारे ही कैपेसिटर यूज करे गए हैं, स्पेशल 4 ऑडियो के जो कैपेसिटर होते हैं वो वाले यूज करे गए हैं इसमें। उसके बाद में 4 इसमें ब्रिज रेक्टिफायर आ जाता है, जैसे देख सकते हो आप इधर 4 इसमें 4 ब्रिज रेक्टिफायर इसमें देखने को मिलेंगे आपके दोनों साइड, ये जो 2 कनेक्टर हैं ये ट्रांसफॉर्मर की स्पेशल वोल्टेज जो मेन वोल्टेज आ रही है उसके दोनों ये जैक हैं जो वोल्टेज के हैं मेन ट्रांसफॉर्मर सारे। ट्रांसफॉर्मर की वोल्टेज की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं 96 वोल्ट की इसमें आपको मेन ट्रांसफॉर्मर की आउटपुट देखने को मिलेगी। आप जब भी कोई एम्पलीफायर लेते हैं तो आप देखते होंगे सब इसकी, आप जैसे कहीं से भी आप ऑर्डर करते हैं या सामान लेते हैं एम्पलीफायर लेते हैं तो हर कोई एम्पलीफायर की वाटेज बताता होगा, कैपेसिटर की वैल्यू बताता होगा, बट ट्रांसफॉर्मर की आउटपुट आपको कोई नहीं बताता। हमारे एम्पलीफायर में आपको सबसे पहले ये बताया जाता है कि जो ट्रांसफॉर्मर है कितनी वोल्ट आउटपुट आगे दे रहा है। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये ट्रांसफॉर्मर है 96 48 0 48 96 का है डुअल सप्लाई में, जो कि 12 कैपेसिटर इधर और 12 कैपेसिटर इधर अलग अलग पावर सप्लाई आगे दे रहा है। उसके बाद में चैनल की बात कर लेते हैं, चैनल देख सकते हैं आप दोनों ही चैनल में जो सिंगल चैनल है वो टू पार्टीशन में डिवाइड करा गया है, इसको आप चाहो तो ब्रिज करके भी चला सकते हो दोनों को, नहीं तो ये अलग अलग इस तरीके से चलेगा। ये पार्टीशन चैनल 1 का है, 2 3 4 सेम ऐसे दिया गया है,
पर चैनल में अगर हम मॉसफेट की बात करें तो इसमें NJW सीरीज के ऑन कंपनी के NJW 0302-281 के 8 पेयर मॉसफेट देखने को मिलेंगे, साथ में डायड और जो छोटे ट्रांजिस्टर होते हैं, डायड होता है 70N20 लगा हुआ है, चीजें हैं। इस चीजों को देखते हुए कंपनी ने चेंजेस करे हैं जिससे वाटेज पावर जो है और ज्यादा अच्छी अपग्रेड। फैन की तरफ फैन देख सकते हैं, 4 फैन इसमें लगे हुए हैं, इधर भी इधर भी इधर भी इधर। ये 4DC फैन है, जो फैन है ये टेम्परेचर के हिसाब से कम और ज्यादा होते रहेंगे, ऐसे नहीं है ये एम्पलीफायर ऑन होते ही फुल स्पीड में चलेंगे, जैसे जैसे आपका चैनल हीट करेगा उसी हिसाब से ये अपने आप को कंट्रोल करते रहेंगे। अंदर की आप वायरिंग देख सकते हो, कैपेसिटर देख सकते हो, पूरे ही अच्छी क्वालिटी का जो है पूरा बोर्ड तैयार किया गया है। ये वही है हमारी अंदर की बात। अब चलिए चलते हैं अब थोड़ी इसकी टेस्टिंग की तरफ, टेस्टिंग के देख लेते हैं एक बार किस तरीके से रहेगी इसकी। इसकी टेस्टिंग आज हम करके दिखा देते हैं एक बार टॉप पे, आपको 4 टॉप लगा के दिखाते हैं इस पे और फिर देखते हैं इसका जो आउटपुट है, परफॉर्मेंस है वो किस तरीके से। तो जो अपनी टेस्टिंग रहेगी वो इस तरीके से रहेगी। 4 चैनल का एम्पलीफायर है जो कि हमने यहाँ रखा हुआ है, देख सकते हो ऑन है इस टाइम एम्पलीफायर, वॉल्यूम 2000 फुल कर रखी है। उसके बाद मैं पीछे से वायरिंग करके दिखा देता हूँ। पीछे से जो हमने करा है वो चारों चैनल जो है, चारों एक एक टॉप डाल दिए हर चैनल पे और दोनों को पैरल करके दोनों की इनपुट दे दिया मिक्सर से, देख सकते हो लेफ्ट चैनल राइट चैनल दोनों की, और दोनों की जो सेंसिटिविटी है 1.4 या 1 रखी रखी है। चारों की आउटपुट टॉप में लगा दी गई है, टॉप आप देख सकते हो चारों ही टॉप यहाँ पे खड़ी हुई है आपके सामने। एक की जाली हटा के दिखा रखी है, इसमें 500 वाट के ईच स्पीकर और 200 वाट का HF रखा हुआ है। चारों ही टॉप आपको रन करके दिखाते हैं अभी इस एम्पलीफायर पे। अभी पूरी आप टेस्टिंग वीडियो देखिएगा, अभी मैं इधर से आके अभी गाना ऑन कर देता हूँ, ऐसे आप देख सकते हैं। जैसे कि आपने इसकी साउंड टेस्ट देख ही ली है, होप आप लोगों को थोड़ा समझ में आया होगा कि इसका जो परफॉर्मेंस है वो किस तरीके से और ज्यादा अपग्रेड करा गया है इस एंटायर फील्ड के एम्पलीफायर्स में। जहां भी आपने देखा होगा ये 4 चैनल का एम्पलीफायर ज्यादातर हर जगह नई नई कंपनियां निकालने जा रही है अपने अलग अलग मॉडल, तो उससे थोड़ा देखते हुए क्वालिटी वाइज प्राइस वाइज वैल्यू फॉर मनी वर्थ इट इसको बनाया गया है, जो कि इसको बहुत ही अच्छा लुक और अच्छे ही परफॉर्मेंस के साथ में लॉन्च करा गया है। आप इसको लेना चाहो तो आप हमारे YouTube से ले सकते हो, जैसे आपको नंबर यहाँ दिख रहा होगा इस नंबर पे कॉल करके भी आप इसको ऑर्डर कर सकते हो, नहीं तो इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट के थ्रू या कोई थर्ड पार्टी के थ्रू भी आप इसको बाय कर सकते हो, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू अलग अलग स्टेट में अगर आप लेना चाहो तो स्टेट वाइज भी आप इसको अपने नियर बाय कोई भी डीलर से ले सकते हैं। आप हमारे से डीलर की लिस्ट ले सकते हैं कहाँ कहाँ ये एम्पलीफायर जो है अवेलेबल आपको हो जाएगा, हम वहाँ पे आपको ये सब प्रोवाइड करा देंगे। तो ये आज के एम्पलीफायर की बात, और जाते जाते एक लास्ट बात ये कहूंगा कि वीडियो लाइक जरूर कर दे, कमेंट जरूर दे अपना जैसे भी आपका रिव्यू है इस एम्पलीफायर को लेके। अगर आप इसको बाय करना चाहते हो तो बाय भी कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।